हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू लर्न टुगेदर। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं अल्यूरिंग का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और साथ में देखेंगे कि अल्यूरिंग वर्ड का हमें सेंटेंस में यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले अल्यूरिंग की प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। ALL LUR ING अल्यूरिंग। अल्यूरिंग का मतलब होता है A mysterious, exciting or desirable quality. एक रहस्यमय, रोमांचक या आकर्षक गुण को हम alluring कहते हैं। Someone or something that is alluring is very attractive. जब हम किसी के लिए alluring शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि वह बहुत आकर्षक है या मनमोहक है। तो आइए कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल्स देखते हैं विद द वर्ड अल्यूरिंग। The allure of working in television. The allure of working in television. Television में काम करने का आकर्षण. The prospect of a fresh start is certainly alluring. The prospect of a fresh start is certainly alluring. एक नई शुरुआत की संभावना निश्चित रूप से आकर्षक है. There's something alluring about motorcycles. There's something alluring about motorcycles. Motorcycle के बारे में कुछ तो आकर्षक है. TV is alluring to both children and adults. TV is alluring to both children and adults. TV बच्चों और व्यस्कों दोनों को ही आकर्षक लगती है. तो आइए हम alluring के synonyms या समानार्थ शब्द देख लेते हैं. Attractive सुंदर, charming मनभावन, appealing आकर्षक, enticing मोहक होना। वहीं alluring के antonyms या विलोम शब्द या opposite words हैं awful भद्दा होना। तो जहां एक ओर alluring का मतलब होता है किसी चीज का बहुत आकर्षक होना या मनमोहक होना, वहीं उसका opposite word है awful यानी भद्दा होना, horrible भयंकर, disgusting घिनौना और boring उबाऊ होना। तो सिंपल शब्दों में अल्यूरिंग का मतलब होता है किसी चीज का बहुत आकर्षक होना, मनोहर होना, मनमोहक या मनभावन होना। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप अल्यूरिंग शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्ड। अंटिल देन कीप लर्निंग, रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड स्टे हैप्पी।